तो दोस्तों, हम सभी लाइफ में कभी ना कभी कोई ना कोई गलतियाँ करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, पर कभी कभी हम अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते इसके लिए, और हम गिल्टी फील करते हैं, हैवी फील करते हैं, हमारी अंतरात्मा पर एक बोझा हो जाता है और ये बोझा बाहर व्यक्त हो जाता है, दूसरे लोग इसे नोटिस कर सकते हैं। तो अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि क्या आप गिल्टी हो, कोई और गिल्टी वे में एक्ट कर रहा है, या वो बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहा है, तो वो किस तरह एक्ट करेगा और आप उस पर्सन की किस तरह हेल्प कर सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ को, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जब भी कोई पर्सन बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा है, तो वो अपने जो सारे एक्शंस है, राइट एक्शंस है, रॉन्ग एक्शंस है, उसे जस्टिफाई करेगा, वो उसे गलत साबित नहीं होने देगा, वो उसे डिफेंड करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर एक बहुत बड़ा बोझा है, और जिसकी वजह से वो ट्राई करेगा कि अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। ये उसका सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इस सर्वाइवल मैकेनिज्म के चलते अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप अपनी रॉन्ग डूइंग्स को भी सही बताओगे, क्योंकि आप उस गिल्ट के वेट के अंदर और नहीं दबना चाहते। दूसरा है कि अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, तो आप ओवरली इमोशनल हो जाओगे, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लोगे। जैसे हमने इमोशनल ट्रिगर्स के वीडियो में किया था, छोटी छोटी बातें आपको ट्रिगर कर देगी, आपके अंदर गुस्सा आ सकता है, क्योंकि हर बार जब कोई पर्सन आपको कन्फ्रंट करता है, तो आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है। आपको लगता है कि आपके ऊपर थ्रेट है, या आपको वो पर्सन ब्लेम कर रहा है, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करोगे इमोशनली चार्ज होकर। अगर आप गिल्ट में हो, तो एक साइन आप ये देखोगे कि आपको नींद आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी, आप लेफ्ट राइट पलटोगे, यहाँ पलटोगे, वहाँ पलटोगे, आपको नींद नहीं आएगी, आप सोचते रहोगे, आपको थॉट्स रहेंगे, आपके अंदर बार बार आपकी मिस्टेक्स प्ले होती रहेगी, और उसकी वजह से आप कॉन्स्टेंटली सेल्फ क्रिटिसिज्म में जाओगे, आप सेल्फ हेट में जाओगे, सेल्फ जजमेंट मोड में जाओगे, नेगेटिव थॉट्स आती रहेगी अपने बारे में, नेगेटिव फीलिंग्स आती रहेगी, क्योंकि आपने अब तक अपने आप को माफ़ नहीं किया है। इसलिए गिल्टी पर्सन के लिए सोना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। अगला साइन है कि आप गिल्टी फील कर रहे हो, कि गिल्टी पर्सन जो होगा, वो अपने आप को लोगों से डिटैच करने की कोशिश करेगा, अकेला रहने की कोशिश करेगा, अलोन रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि जैसे एक पर्सन है जिसको फ्लाइंग का डर है, एरोप्लेन का डर है, वो एरोप्लेन में बैठने से डरता है, उसी तरीके से आप लोगों को फेस करने से डरोगे, क्योंकि हर एक लोगों को फेस करना आपके लिए एक थ्रेट हो जाता है, कि कहीं आपके वही इमोशंस ट्रिगर ना हो जाए, या आपके ऊपर ब्लेम ना आने लग जाए, या लोग आपको जज ना करने लग जाए, या लोग आपको क्रिटिसाइज़ ना करने लग जाए। ये डर की वजह से आप अलोन रहना पसंद करेंगे। पांचवा साइन कि आप गिल्ट के अंदर दबे हो, वो ये है कि आप अपने आसपास के लोगों को प्लीज़ करने की कोशिश करोगे, उन्हें खुश करने की कोशिश करोगे, ज़्यादा खुश करने की कोशिश करोगे, कंपनसेट करने की कोशिश करोगे, उनके लिए ओवरबोर्ड चले जाओगे, अपना टाइम दे दोगे, उन्हें बहुत सारे गिफ्ट्स और प्रेजेंट दोगे, उन्हें अच्छा फील करवाओगे, क्योंकि आप उस रॉन्ग डूइंग के लिए कंपनसेट करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए शायद आप ओन अप नहीं कर पा रहे हो, या अपने आप को फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, और इसलिए आप ओवर कंपनसेट कर रहे हो। छठा साइन कि आप गिल्टी हो, कि आपने अपने आसपास एक प्राइवेसी की बाउंड्री बनाकर रखी है, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे आपके बाकी सब गैजेट्स हो। क्यों? इसलिए नहीं कि क्योंकि आप कुछ रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि आप जो हो कन्फ्रंटेशन को, कन्फ्लिक्ट को, लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं सामने वाला पर्सन कोई पार्ट का मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकता है, गलत मीनिंग निकाल सकता है, इसलिए आप रॉन्ग ना होते हुए भी अपने आप को सेफ करने के लिए एक प्राइवेसी की बाउंड्री बनाकर रख रहे हो, क्योंकि आप लड़ाई झगड़े से डरते हो, ये आपका इमोशनल ट्रिगर हो सकता है, और जो आपकी गिल्ट को भी और ट्रिगर कर सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप गिल्टी फील कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप आसपास की सराउंडिंग्स को, लोगों को, उनके बिहेवियर को आप उन्हें ब्लेम करना चाहोगे, आपकी प्रॉब्लम्स के लिए भी, जो आपके साथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना गिल्ट के अंदर हो, और गिल्ट आपके लिए एंटरटेन करना डिफ़िकल्ट हो रहा है, आपका सर्वाइवल मैकेनिज्म है, आप लोगों को ब्लेम कर देते हो, थोड़ा सा आपको अपलिफ्टेड लगता है, बेटर लगता है टेम्परेरली, ये भी एक साइन है गिल्ट में जीने का। तो अगर आपको भी लगता है कि ये साइंस आपके साथ मैच होते हैं, और आप भी गिल्ट के अंदर दबे हुए हो, तो इसी चैनल पर बहुत सारी और रिकॉर्डिंग्स है गिल्ट के बारे में, कि अपने आप को फॉरगिव कैसे करें, हिप्नोथेरेपी की रिकॉर्डिंग्स है, और ज़रूर आप एक लाइफ कोच, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट को, थेरेपिस्ट को मिलिए, जो आपको गिल्ट फ्री होने के लिए हेल्प कर सके, जहाँ पर आप शेयर कर सको कि क्या चीज़ है जो आपको गिल्टी फील करा रही है, और आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए अपने आप को फॉरगिव करने के लिए, या लोगों की फॉरगिवनेस लेने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई पर्सन है जो इस तरह से बिहेव कर रहा है, ये सारे साइंस उसके अंदर दिख रहे हैं, वो गिल्ट के अंदर दबा हो सकता है, तो उसके साथ एक हार्ट टू हार्ट टॉक करना, एक ओपन माइंड होकर टॉक करना, उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से सुनना, या उसने जो मिस्टेक्स की है उसे फॉरगिव करने के बारे में सोचना, ये आप कर सकते हो उस पर्सन को हेल्प करने के लिए।
तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और देखते रहिए लाइफ कोच।